मूवी के शुरुआत में दिखाया जाता है एक जंगल में एक लड़की भाग रही होती है। उसके पीछे एक क्रिएचर पड़ा है जो उसे मारना चाहता है। लड़की भागते भागते गिर जाती है और पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वो क्रिएचर उसके पास आ जाता है और लड़की को मारने वाला होता है। तभी दूसरा क्रिएचर आ जाता है और पहले वाले क्रिएचर को मारकर लड़की को बचाकर अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में केला और मैडी को दिखाया जाता है। दोनों दोस्त हैं। मैडी केला को डरपोक समझती है और इसलिए मैडी केला को अलग जाने के लिए बोलती है। इस बात पर दोनों की बहस हो जाती है और दोनों अलग अलग चले जाते हैं। तभी अचानक केला को मैडी की आवाज़ आती है। केला मैडी की आवाज़ की तरफ भागती है। तभी कोई केला के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। केला थोड़ा उसमें आती है तो एक वर्कशॉप देखती है जहाँ उसके आँखों से खून आ रहा होता है और वो फिर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में सायरन की आवाज़ से केला की आँख खुलती है। केला की आँख में लगे उस डिवाइस के कारण सायरन की आवाज़ से केला को तकलीफ होती है और वो इधर उधर हाथ मारती है। तभी दिखाया जाता है केला उसी जंगल में एक बक्से के अंदर बंद है। केला लगातार हाथों से बक्से को मार रही होती है। तभी बक्सा खुलता है और सायरन बंद हो जाता है। केला बक्से से निकलती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो मैडी को ढूंढने निकलती है और आगे जाकर केला एक मरी हुई लड़की की बॉडी को देखती है जो पूरी तरह गल चुकी होती है। वो वहाँ से दौड़कर जाती है और मैडी को आवाज़ देती है। तभी वहाँ दो लड़कियाँ एलिस और सीना आ जाती। सीना केला का मुंह बंद करके उसे शोर मचाने से मना करती है क्योंकि एलिस और सीना को लगता है शोर मचाने से वो क्रिएचर आ जाएगा। तभी वो तीनों वहाँ से निकलकर बक्से के पास जाते हैं। केला अपनी दवाई ढूंढती है पर वो उसे नहीं मिलता। तभी केला को अटैक आता है और वो बेहोश हो जाती है। इसलिए केला को दवाई लेनी ही होती है। थोड़ी देर बाद केला को होश आता है। वहाँ सिर्फ एलिस होती है। सीना उन दोनों को छोड़कर चली गई होती है। एलिस केला के पास रुकती है क्योंकि एलिस को लगता है कि केला कमज़ोर है और अगर क्रिएचर आए तो वो केला से तेज भाग सकती है। तभी वहाँ एक क्रिएचर आ जाता है और ये दोनों छुप जाते हैं। एलिस एक लकड़ी से क्रिएचर का ध्यान भटकाती है। उसी समय केला को एक और अटैक आता है और उसे एक क्रिएचर कुल्हाड़ी लिए दिखाई देता है। एलिस केला को छोड़कर वहाँ से भागती है जिसे वो क्रिएचर देख लेता है और एलिस का पीछा करता है। क्रिएचर अपनी कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है जो एक पेड़ पर जाके लगती है। एलिस उस कुल्हाड़ी को निकाल के उस क्रिएचर पर हमला करती है लेकिन क्रिएचर ज़्यादा ताकतवर होता है। वो उसी कुल्हाड़ी से एलिस का फेस काट कर निकाल देता है जिससे एलिस मर जाती है। फिर वो क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। इधर केला बेहोश पड़ी होती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है। केला भागकर एलिस के पास जाती है जो मर चुकी होती है। केला भागते हुए जाती है तभी उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। वो दौड़ते हुए बाहर जाती है। वो इधर उधर देखती है और बाहर निकलने लगती है। तभी सायरन बजता है और केला को तकलीफ होती है। ये सायरन तभी बजता है जब कोई इस बाउंड्री को पार करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक लड़की दौड़ते हुए आ रही होती है। उसके पीछे एक क्रिएचर लगा होता है। केला उस लड़की को अपने तरफ बुलाती है। तभी वो क्रिएचर अपना कुल्हाड़ी फेंक के उस लड़की को मारता है और केला को देखकर हाथ हिलाता है। फिर वो क्रिएचर उस लड़की को मारने वाला होता है। तभी वहाँ दूसरा क्रिएचर आ जाता है जो केला की तरफ आ रहा होता है। पहला क्रिएचर जिसके पास कुल्हाड़ी है वो दूसरे क्रिएचर की तरफ जाता है ताकि केला को बचा सके। वो क्रिएचर केला को क्यों बचाना चाहता है वो मैं आगे बताऊँगा। फिर दोनों क्रिएचर की फाइट होती है और दोनों एक दूसरे को मारते हैं। तभी दूसरा क्रिएचर कुल्हाड़ी वाले क्रिएचर को गिरा देता है और अपने हथियार से उसे मार देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर केला उस लड़की को लेकर दूसरे जगह ले जाती है और एक पेड़ के नीचे लिटा देती है। केला उस लड़की को वहीं छुपाकर आगे चली जाती है। इधर क्रिएचर खून के निशान का पीछा करते हुए उस लड़की तक पहुँच जाता है और उसे खींचते हुए ले जाता है और एक पेड़ के पास ले जाकर उसके दोनों हाथ खींचकर उखाड़ देता है। इधर केला खड़ी होती है। तभी एक पिक के सर वाला क्रिएचर केला पर हमला करता है। केला उसके हमले से बचती है और उस क्रिएचर के हथियार से क्रिएचर पर हमला करती है। तभी अचानक उस क्रिएचर का सर फट जाता है और वो मर जाता है। ऐसा क्यों होता है कहानी के आगे में पता चलेगा। केला उस क्रिएचर का हथियार अपने पास रखती है और उस लड़की के तरफ जाती है जिसे वो छुपाई थी। तभी केला लड़की को देखती है जो मर चुकी है। केला वहाँ से आगे निकलती है। आगे उसे कुछ घर दिखाई देता है। केला उस घर की तरफ बढ़ती है जहाँ उसे इस जंगल का मैप दिखाई देता है। तभी किसी के चीखने की आवाज़ आती है। केला उस आवाज़ का पीछा करते करते एक घर के अंदर जाती है। केला खिड़की से बाहर देख रही होती है। तभी उसके पीछे अचानक से एक लड़की
आ जाती है। कैला डरी हुई होती है और पीछे देखे बिना उस लड़की के गर्दन पर हमला कर देती है। वो लड़की कैला के वार से मर जाती है। तभी वहाँ सीना और एक लड़की आ जाती है जिसका नाम रोज होता है। तभी कैला को अटैक आता है। सीना कैला का हथियार लेके वहाँ से चली जाती है। कैला को विजन आता है जिसमें वो अपनी फ्रेंड मैडी को देखती है जिसे कोई छुपा रहा होता है, और अपने विजन में उस जगह का नाम देखती है। थोड़ी देर बाद कैला को होश आता है। वहाँ वो लड़की होती है जो सीना के साथ थी, उसका नाम रोज है। कैला और रोज दोनों हाथ मिलाते हैं। रोज डरपोक होती है। दोनों बात कर रहे होते हैं तभी कैला को याद आता है कि वर्कशॉप में उसके आँख में कुछ किया गया था, और वो एक फॉग लेकर उस मरी हुई लड़की की आँख निकालती है जो एक कैमरे की तरह होता है, जिसे देखकर उसे वर्कशॉप की सारी बातें याद आ जाती है। तभी दिखाया जाता है इन सारी लड़कियों के आँख में कैमरा लगा होता है जिससे इन सब पर एक आदमी मॉनिटर से नज़र रख रहा होता है। यहाँ दिखाया जाता है जो लड़कियाँ मर चुकी है उसका स्क्रीन बंद है। कैला को कुछ कुछ समझ आता है। तभी वहाँ सीना आ जाती है। कैला सीना को सब बता रही होती है। तभी वहाँ से एक क्रिएचर गुजरता है। वो क्रिएचर उस घर का चक्कर लगा रहा होता है। फिर वो क्रिएचर दरवाजे से अंदर आ जाता है। तीनों छुपे होते हैं। क्रिएचर रोज़ को ढूंढ लेता है और वो रोज़ खींचते हुए बाहर निकाल रहा होता है। तभी सीना और कैला उस क्रिएचर पर हमला कर देती हैं। अब सीना को लगता है वो क्रिएचर रोज़ को मार भी सकता था पर नहीं मारा, ऐसा क्यों? कैला बताती है कि वो क्रिएचर रोज़ का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था। तभी कैला को कुछ कुछ समझ आता है। यहाँ कहानी रिवील होती है और कैला को सब कुछ समझ आ जाता है। कैला बताती है यह एक गेम है और एक लड़की और एक क्रिएचर का जोड़ा बनाया गया है। ये क्रिएचर उस लड़की को प्रोटेक्ट करता है जो इसके साथ जोड़े में है, और दूसरी लड़कियों को मारता है ताकि उसके साथ उसका क्रिएचर भी मर जाए। इस तरह ये क्रिएचर अपने लड़की का मतलब अपने जोड़े को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए वो क्रिएचर कैला को बचाना चाहता था। और एक लड़की के मरने पर वो पीक वाले क्रिएचर का सर फट गया था। यह सब समझकर सीना को लगता है कि इस गेम से निकलने का एक ही तरीका है। सीना कैला और रोज़ को मारना चाहती है ताकि उन दोनों का क्रिएचर मर जाए और वो गेम जीत जाए। कैला रोज़ को लेकर वहाँ से भागती है। वो दोनों सब से बचते हुए मैडी को ढूंढने जाते हैं। वो दोनों एक घर के पीछे से निकल रहे होते हैं तभी रोज़ का पैर फंस जाता है और वहाँ एक क्रिएचर आ जाता है। कैला रोज़ को खींच रही होती है। अंदर रोज़ को एक और क्रिएचर खींच रहा होता है। तभी वहाँ एक और क्रिएचर आ जाता है। कैला भागकर उस घर के अंदर जाती है और कैला और रोज़ मिलकर उस क्रिएचर को मार डालते हैं जो रोज़ को खींच रहा होता है। ये सब दूसरा क्रिएचर देख लेता है और डरकर वहाँ से भाग जाता है। इधर सीना मैडी को ढूंढकर मारने जा रही होती है। कैला उसका पीछा करती है। ये दोनों एक जगह आमने सामने होते हैं। इधर रोज़ पर एक क्रिएचर हमला कर देता है। तभी सीना के पीछे कैला का जोड़ा मतलब कैला का क्रिएचर आ जाता है और सीना के सर पर कुल्हाड़ी मारता है जिससे सीना मर जाती है। और इधर रोज़ पर हमला करने वाले क्रिएचर का सर फट जाता है क्योंकि वो सीना का क्रिएचर था जो सीना के मरने पर मर गया। कैला अपने क्रिएचर को कुल्हाड़ी से मार देती है ताकि उसका क्रिएचर किसी और लड़की को ना मारे। फिर रोज़ और कैला मैप से मैडी का पता लगाते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां मैडी है। वहां जाकर कैला मैडी से मिलती है। इससे रोज़ को जलन होती है और वो मैडी पर गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ मैडी का क्रिएचर आ जाता है। अचानक से कैला को फिर अटैक आता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी रोज़ मैडी का गला काटकर उसे मार देती है जिसके कारण उसका क्रिएचर भी मर जाता है। रोज़ को लगता है कि वो मैडी को मारकर कैला को बचाई है। कैला होश में आती है और मैडी को मरा हुआ देखकर बहुत रोती है और रोज़ पर गुस्सा होती है। इससे रोज़ नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कैला मैडी के लिए बहुत रोती है। फिर कैला मैडी को वहीं छोड़कर चली जाती है और वहीं पहुँच जाती है जहाँ से इस जंगल से बाहर निकला जा सकता है। कैला अपनी आँख जिसमें कैमरा लगा होता है एक फोक से निकाल देती है और उस जंगल से बाहर निकलती है। कैला के आँख में डिवाइस नहीं होने के कारण इस बार सायरन नहीं बजता। इधर रोज़ को दिखाया जाता है जिसे मॉनिटर से एक आदमी देख रहा होता है और रोज़ को विजेता समझकर अगले मैच के लिए तैयार करने बोलता है। अगले सीन में टेरी को दिखाया जाता है जो उन रिकॉर्डिंग्स को देख रहा होता है। तभी वहाँ कैला आ जाती है और टेरी को बिजली का झटका देकर बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद कैला टेरी को बांध देती है और उन गेम के बारे में पूछती है जो ये गेम प्लान करते हैं। टेरी उनमें से एक का नाम बताता है जिसका नाम माइक होता है। फिर कैला टेरी को मार देती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आई होप मूवी आपको पसंद आई होगी, और यहाँ तक देख ली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।